पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। दिल्ली के द्वारका स्थित ओयो होटल द ग्रेट इन में मेहमानों का अश्लील वीडियो बनाकर उगाही करने का मामला सामने आया। मामले में द्वारका साइबर थाने की पुलिस टीम ने होटल के 3 कर्मचारियों सहित फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया। फर्जी आईडी से ली गई इन सिम के जरिए आरोपी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाकर उन वीडियो को पीड़ित को भेजकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, जिससे ये पता चल सके कि आरोपी अभी तक कितने लोगों की अश्लील वीडियो बना चुके हैं। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय कुमार, अंकुर, दिनेश और आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने वाले दीपक कुमार के रूप में हुई। ये सभी यूपी के हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से सिम कार्ड सहित 5 मोबाइल फोन, ग्रेट इन होटल के डीवीआर की हार्ड डिस्क, जियो के 54 ब्लॉक सिम कार्ड बरामद किए गए। डीसीपी ने बताया कि द्वारका साइबर थाने की पुलिस को एक शिकायतकर्ता की ओर से ये बताया गया था कि वो अपनी महिला दोस्त के साथ द्वारका के ग्रेटिन होटल में गया। इसके बाद उसे और उसकी दोस्त को 19 जनवरी को अज्ञात इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील वीडियो मिला। आरोपियों ने 5 लाख नहीं देने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में साइबर थाने के एसएचओ जगदीश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम को जांच और आरोपी की पकड़ के लिए लगाया गया। पुलिस ने कथित इंस्टाग्राम आईडी का विश्लेषण कर उससे संबंधित मोबाइल नंबर का पता लगा। इसके बाद पुलिस उस मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंची, जहां एड्रेस के फर्जी होने का पता चला। फिर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और IMI नंबर की सहायता से यूपी के हापुड़ के विजय कुमार तक वो पहुंची और उसके बाद तीनों आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। ऐसे में पुलिस ने उसे और उसके सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां आरोपी ने बताया कि वो पेशे से फार्मासिस्ट था। हालांकि 2022 में उसने होटल में नौकरी कर ली। इसके बाद उसने अपने साथी अंकुर और दिनेश को भी होटल में नौकरी दिला दी, लेकिन वो मिलने वाली सैलरी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अधिक पैसा कमाने के लिए गेस्ट का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उगाही करने की योजना बनाई। आरोपियों ने बताया कि होटल के कमरों में लकड़ी की दीवार बनी हुई है, लकड़ी की प्लाई में बिजली के बटन के पास छेद होता था, उससे ये मोबाइल से वीडियो को बना लेते थे। आपको बता दें, आरोपी विजय ने अगस्त 2022 में नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद अंकुर और दिनेश वीडियो बनाते रहे। फिर इस साल जनवरी महीने में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर गेस्ट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आईडी बनाने के लिए हापुड़ का ही दीपक कुमार उन्हें सिम उपलब्ध करवाता था। विजय की निशानदेही पर पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। आरोपियों ने अब तक 3 मेहमानों की अश्लील वीडियो बनाकर अपनी बात को स्वीकार किया है। मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।